कुछ दे लिया है। नहीं माशाल्लाह से इतनी प्यारी सजाई हुई है, मैंने ऊपर बड़ी डेकोरेशन की हुई है, है ना? मैंने कहा माशाल्लाह से इस दफा बड़ी प्यारी सजाई हुई है। और ये लाहौर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जाने वाली सजावटों में से कुछ सजावटें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाहौर में कैसे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सजावटें की जा रही हैं। बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत डेकोरेशंस की गई हैं जो कि आप ऑन टॉप स्क्रीन देख सकते हैं, और जो है डिफरेंट टाइप्स की डेकोरेशंस हैं जैसा कि आपको ऑन टॉप स्क्रीन शो हो रहा है। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत और एक यूनिक स्टाइल की डेकोरेशन है। ये आप देखें
कितनी प्यारी डेकोरेशन है जो आपको इस टाइम मैं दिखा रही हूँ ऑन टॉप स्क्रीन आपके मोबाइल पे। ये देखिए 12 रबीउल अव्वल यानी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जाने वाली खूबसूरत तरीन डेकोरेशंस में से ये एक डेकोरेशन है जो कि आपको ऑन टॉप स्क्रीन शो हो रही है। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी डेकोरेशन की है, सजाने वाले ने भी कमाल कर दिया है। और ये देखें कितनी खूबसूरत हैं और कलर्स कम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जो कि आपको ऑन टॉप स्क्रीन शो हो रहा है। और आप देखते जाएं कि क्या ही खूबसूरत डेकोरेशंस हैं जो मैं आपको ऑन टॉप स्क्रीन शो करवा रही हूँ, जो 12 रबीउल अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जाने वाली डेकोरेशंस में से कुछ डेकोरेशंस है। ये देखें छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाई हैं। ये देखें ये अब एक और तरह की स्टाइलिश डेकोरेशन आ गई जो कि आपको ऑन टॉप स्क्रीन शो हो रही है। और कितनी ही खूबसूरत ये डेकोरेशन भी लग रही है, देखें इनको सजाने वालों ने भी कमाल किया है और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशंस जो है ना की गई हैं। और आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि दिल को छू जाने वाली ये डेकोरेशंस हैं जो कि आपको इस टाइम ऑन टॉप स्क्रीन शो हो रही हैं आपके मोबाइल पर। मुझे तो माशाल्लाह ये सजावटें बहुत अच्छी लगी, आप भी बताइएगा कि आपको ये सब सजावटें कैसी लगी।
चले जाओ।